अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही उत्तरकाशी शहर राम के जयकारों से गूंज उठा। वहीं उत्तरकाशी में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी के अथक प्रयासों से स्थापित राम वाटिका का आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। इसके बाद राम वाटिका में तुलसी और रुद्राक्ष के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि बरसों की मेहनत और लाखों की शहादत के बाद आज अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में की गई है। उन्होंने कहा कि विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी की पहल पर राम वाटिका का निर्माण किया गया है। उत्तरकाशी के तमाम क्षेत्रों में साहित्य बाबा विश्वनाथ में पूजा अर्चना के साथ मुख्यालय के तमाम बाजार में रामलला की झांकी निकाली गई। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देखिए आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जहाँ सबकी निगाहें टिकी है कि हजारों वर्षों बाद आज भगवान रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और पूरे गंगोत्री विधानसभा में, पूरे जनपद उत्तरकाशी में जगह जगह हर्ष और उल्लास का माहौल है। जगह जगह कल से पूर्व संध्या पर लगातार अखंड रामायण का गांव गांव गली गलियारों में जगह जगह जो है भगवान राम का कीर्तन किया जा रहा है। यहां पर ये राम वाटिका का भी आज उद्घाटन है। आज बाबा विश्वनाथ के यहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, रामला मैदान में भी बड़ा कार्यक्रम है और जगह जगह लोग इसको उत्साह से मना रहे हैं। तो आज सब पूरे इस भगवान राम की जो खुशियों में कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जो है लाइट है और खुश है कि भगवान राम जो आज अपने मंदिर में।